चिकन पॉपकॉर्न की रेसिपी आज हम आपके साथ शेयर करेंगे, जो बहुत ही क्रंची और अंदर से सॉफ्ट फ्राई होकर रेडी होते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करेंगे जुवी के साथ। बोनलेस चिकन के क्यूब्स इस तरह से कट कर लेंगे। कट करने के बाद चिकन के क्यूब्स में हम ऐड कर लेंगे अदरक लहसुन पेस्ट, काली मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद 1 टीस्पून विनेगर ऐड कर देंगे। मिल्क ले लेंगे। अब मिल्क में 1 टीस्पून सोया सॉस, 2 टीस्पून रेड मिर्ची टोमेटो केचप ऐड कर देंगे 2 टीस्पून। सारा मिल्क चिकन क्यूब्स में ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे रैप कर हम 1 आवर तक मैरिनेट होने के लिए रेफ्रिजरेट कर लेंगे। आफ्टर 1 आवर अब सारे क्यूब्स में अंडा अच्छे से फेंट कर एक अंडा ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करके असाइड रख लेंगे। देन मीनवाइल एक बोल में 1/2 कप मैदा और 1/2 कप कॉर्नफ्लोर ऐड कर देंगे। थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे, नमक ऐड कर देंगे। देन इसे वाटर से अच्छे से मिक्स करके एक थिक फाइन पेस्ट बना लेंगे और उसे साइड रख लेंगे। अनदर बॉल में हम ठंडा पानी ऐड कर देंगे, बहुत ही चिल्ड वाटर होना चाहिए। देन हमने जो कॉर्नफ्लोर और मैदे का जो मिक्सचर थिक बैटर हमने जो बना लिया था, उसी में एक एक अलहदा क्यूब ऐड करते जाएंगे बैटर में। उसे डिप करने के बाद हम उसे ठंडे पानी में डिप करते जाएंगे, देन अगेन बैटर में डिप करेंगे। देन उसे रिमूव करके अलहदा एक प्लेट में अरेंज करते जाएंगे। देन आफ्टर कॉर्नफ्लोर पाउडर ले लेंगे, उसमें काली मिर्च पाउडर और नमक ऐड करके उसे अच्छे से मिक्स करके देन हमने जो क्यूब्स वाटर में डिप किए थे उसे कॉर्नफ्लोर में डिप करेंगे अच्छे से। एक स्टेनर की हेल्प से सारा जो भी एक्स्ट्रा कॉर्नफ्लोर है उसे रिमूव कर लेंगे। कढ़ाई में ऑयल हीट होने देंगे। ऑयल अच्छे से हीट होने के बाद लो फ्लेम पे इसे फ्राई कर लेंगे। इस तरह से देखिए बहुत ही क्रिस्पी फ्राई हो गए हैं। अब अनदर बैच हम इसी तरह से चिकन क्यूब्स फ्राई कर लेंगे और देखिए क्रिस्पी चिकन पॉपकॉर्न बनके रेडी है। चलिए अब हम इसे नोश फरमाएंगे केचप के साथ। देख सकते हैं आप लोग, ऊपर से क्रंची और अंदर से सॉफ्ट बने हैं। आप लोग भी ट्राई कीजिए।